दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा आप सरकार के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रही है बीजेपी, राजनीतिक षड्यंत्र बताया। आतिशी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना गैरकानूनी होगा। आतिशी ने कहा केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, बीजेपी को पता है कि दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता, हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगी कार्रवाई। पीएम ने कहा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए मैं प्रतिबद्ध, बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ने कहा 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5000 करोड़ की संपत्ति अटैच की, जबकि 10 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच हुई। पीएम ने कहा पहाड़ी इलाकों में पलायन रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, सरकार ने इन इलाकों में विकास पर विशेष ध्यान दिया। एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर पीएम ने कहा बीजेपी की तीसरी पारी को लेकर लोगों में उत्साह, जनता भी सड़कों पर उतरकर फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगा रही है। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा विपक्ष भी ये मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी, विपक्ष में कई नेता प्रचार में जाने से बच रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने खटीमा में भ्रमण के दौरान रास्ते में मिले लोगों से बातचीत की, पीएम मोदी द्वारा दिए गए राम राम का संदेश पहुंचाया। उड़ीसा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चुनावी कैंपेन जारी, प्रधान ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटरों से मुलाकात कर समर्थन की अपील की। मनाली में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के राज्य में मंत्री विक्रमादित्य पर विवादित बोल, कहा एक पप्पू दिल्ली में है एक हिमाचल प्रदेश में। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर खुद को कलंकित करने का आरोप लगाया, कहा हम कला को नहीं, कला हमें सिखाती है और तुम कौन होते हो पूछने वाले। कंगना रनौत के बयान के जवाब में विक्रमादित्य ने उन्हें बताया बड़ी बहन, कहा आज तक हिमाचल में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं हुआ। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए चुनाव प्रचार किया, जनता से वोट अपील की। तमिलनाडु के शिवगंगा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम की पत्नी श्रीनिधि ने किया चुनाव प्रचार, पति के लिए वोट अपील की। क्षत्रियों पर विवादित बयान देकर राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला बुरी तरह फंसे, क्षत्रिय समाज की एक महिला नेता ने रूपाला की उम्मीदवारी के खिलाफ शुरू की भूख हड़ताल। बसपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, चौथी सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद बोले 3 पीढ़ियों से मेरा पीलीभीत से रिश्ता, मोदी जी के नाम पर सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। जितिन प्रसाद ने कहा वरुण गांधी का पूरा साथ मिल रहा है, जब पार्टी निर्णय लेती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा ईसी ना तो हमारी किसी बात का जवाब देता है ना हमें मिलने का वक्त देता है। राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी 400 के टारगेट को पार करेगी, जमीनी हकीकत के आधार पर हम टारगेट तय करते हैं, 2014 और 19 भी हमने अपना लक्ष्य हासिल किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा देश में कई नेशनल क्रश होंगे लेकिन देश को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर नेशनल ट्रस्ट है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता धैर्यशील मोहित पाटिल ने पार्टी से दिया इस्तीफा, माठा सीट से रणजीत सिंह निम्बालकर को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नकुलनाथ पर करारा हमला, कहा कांग्रेस उम्मीदवार को दिख रही है हार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता के पास कैश मिलने के बाद कई आरोप, कहा हार की हताशा में नकुलनाथ नहीं शराब बांट रहे हैं कहीं पैसा। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी कानून व्यवस्था तोड़ती है। एनडीपीपी नेता जेम्स कोत्साउ और पूर्व बीजेपी नेता किंडोगम पनमेई लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके भारत का था है रहेगा, विकास को देखकर पीओके के लोग आ सकते हैं भारत के साथ। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को मदद का ऑफर दिया, बोले पाकिस्तान आतंकियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा, पाकिस्तान चाहे तो हमारी मदद ले सकता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक 15 से 28 अप्रैल के बीच होगा, उज्बेकिस्तान के टर्मेज में होगा युद्धाभ्यास। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किया युद्धाभ्यास, सेना ने 17,000 की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अभ्यास किया। पीएम मोदी ने गुरुवार को देश के 7 टॉप गेमर्स से आवास पर मुलाकात की, गेमिंग से जुड़े मुद्दों पर बात की।
पीएम मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटनकर, पायल धारे, अंशुबिश तीर्थ मेहता और गणेश गंगवार से बात की। मुलाकात के दौरान गेम भी खेले। पीएम मोदी और गेमर्स की मुलाकात का टीजर किया गया जारी। पूरा वीडियो 13 अप्रैल को होगा रिलीज। हीट वेव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक। मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ चर्चा। पीएम मोदी ने अधिकारियों को अवेयरनेस फैलाने और लोगों को मदद करने की सलाह दी। हेल्थ सेक्टर पर भी बात की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया, 6.7% से बढ़ाकर 7% किया। एमपी के धार में एएसआई की टीम सर्वे के लिए भोजशाला परिसर पहुंची। एएसआई ने 22 मार्च को परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था शुरू। नोएडा के सेक्टर 18 में एक दुकान में आग लगी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के कल्याण में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग ने प्लांट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। दिल्ली में लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चारों बदमाशों से कार लूट और ग्रोसरी स्टोर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी में जुटी। यूपी के इटावा में मीट कारोबारी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। घायल शख्स को अस्पताल में किया गया भर्ती। नवरात्र के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा के रूप की हो रही है आराधना। मंदिर में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। भक्तों ने लगाए जयकारे। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगी भिड़ंत। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 4 में से 3 मैच जीते। दिल्ली को 5 में से 4 मैच में करना पड़ा हार का सामना। पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स।